नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच रिश्तों में इन दिनों काफी कड़वाहट आ चुकी है। पिछले दिनों जिस तरह सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई और भारत के कई जवान शहीद हो गए, उससे लोगों के बीच गुस्सा भरा हुआ है। चीन के सामान का बहिष्कार कहीं कहीं किया जा रहा है। वहीं मोदी सरकार ने भी 59 चाइनीज ऐप को बैन कर चीन को आर्थिक झटका दिया है। इस बीच एक और खबर आ रही है कि चीन को इस हफ्ते का एक और झटका लग सकता है। अब सरकार एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिससे चीन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं नए नियम के बारे में। खबरों की माने तो मोदी सरकार इस सप्ताह के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं के लिए नई नियमावली लागू करने वाली है। इसके तहत विक्रेताओं को अपने उत्पाद पर उत्पादन या विनिर्माण के देश समेत कई विवरण देना अनिवार्य होगा। आसान भाषा में समझे तो विक्रेता को अपने उत्पादन पर ये बताना होगा कि सामान किस देश में बना है या किस देश का है। इससे ग्राहकों को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि वो भारत में बने सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर दूसरे देशों के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। माना जा रहा है कि ये नियम लागू होने के बाद चीन का भारत में कारोबार प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत में चीन के प्रोडक्ट के बहिष्कार की मुहिम चरम पर है। मेड इन चाइना का सामान का भारत में कहीं कहीं बहिष्कार किया जा रहा है। ऐसे में चीन को इस हफ्ते एक और झटका लग सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।